सभी भाइयों को रमेश की तरफ से राम राम, सभी को नमस्कार करता हूँ। जितने भाई वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और पास में लगे घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपने मिलता रहे। आज इस भाई से पूछेंगे, चारा बनाया भाई ने मैसों के डालने का, काफी अच्छा, कितना दूध निकालती है, कैसे खिलाना है, कैसे ये बनता है, इससे पूछेंगे इस भाई से। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सारा भाई दर्शकन है जो भाई वीडियो देख रहे हैं उन्होंने। ठीक है भाई साहब, बताओ इसके बारे में भाई साहब, कैसे डलता है, कैसे ये बनता है। भाई सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ, ये अदोला है। अच्छा जी। मुख्य रूप से अपने इसको पशुओं का ड्राई फ्रूट के नाम से जानते हैं। अच्छा जी। इसका दो पर्पज यूज होता है। अच्छा जी। पहला अपने पशुओं में, दूसरा अपने धान की खेती में। ठीक है, हम बात करेंगे पहले पशुओं से संबंधित, क्योंकि आज पशु मेला लगा इसलिए। ठीक है। ये अजोला की जो 7-8 किस्में हैं उनमें से 4 किस्में मेरे पास है। अच्छा जी। ये अगर हम अपने पशुओं को खिला देते हैं, 1-2 किलो खिलाने, उससे ज्यादा नहीं खिलाने। ठीक है। ज्यादा खिलाने से पशु की लूज मोशन हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हरा चारा ये है। ठीक है जी। ये बात मैं नहीं कहता, यूनिवर्सिटियां कहती है, कृषि अनुसंधान केंद्र कहता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो बेनिफिट रहेगा वो क्या रहेगा। आपको एक पशु को इतना अजोला खिलाना है। अच्छा जी। इससे ज्यादा नहीं खिलाना है। इससे ज्यादा नहीं। छोटा पशु है उसको, बड़ा है उसको 1 किलो तक दे सकते हैं। सबसे जो पहला काम होगा वो ये होगा कि आपका पशु है वो टाइम पे हीट में आ जाएगा, जैसी उसकी उम्र होगी वो हीट में आ जाएगा। अगर आप शुरुआत से उसको देते हो, उसको एक टाइम डालें या दोनों टाइम डालो, 3 टाइम डालो, जैसे भी डालो, जिस सुविधा अनुसार आपकी रहे वैसे आप डालते। बस एक टाइम में इतना ही डालना जितना आपको बताया। 1 किलो से ज्यादा नहीं देना। ठीक है। तैयार कैसे होता है भाई साहब? मैं आपको थोड़ी और बता देता हूँ पहले, फिर तैयार की भी बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो अपना पशु रिपीट हो रहा है, ठहर नहीं रहा, उसमें भी ये काम करेगा। मतलब इसका जो काम रहेगा वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की बढ़ाने का रहेगा, जिससे आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा, घी भी बढ़ेगा और फैट भी बढ़ेगा। ये आप अपने पशुओं को किसी भी विधि से खिला सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसको लगाने की, उसके बाद करेंगे कि धान में क्या बेनिफिट है। तो लगाने के लिए आपको एक प्लास्टिक सीट लेनी होगी, प्लास्टिक टब या सीमेंट टंकी जो भी रहे, जिसमें पानी इसी तरह से, मतलब ये पानी हमारा ठहर जाना चाहिए लंबे टाइम तक। उसके बाद इसमें अपने मिट्टी डालेंगे और गोबर की खाद डालेंगे। मिट्टी डालेंगे और गोबर की खाद का 70-30 का अनुपात रखें, 70 मिट्टी 30 गोबर की खाद रखें। उसके बाद उसको मिक्स करके इसमें पानी भर दें, कम से कम पानी 1 इंच होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 फीट कितना भी हो सकता है। उसके बाद आप 3x6 का एक प्लांट बनाइए, 6x6 का बनाइए, इसमें इतना बीज डाल दीजिए, ये आपकी 100 पीढ़ियों तक बीज खत्म नहीं होगा। एक बार डालने के बाद ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, 7 दिन में एवरेज डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं हमने धान की खेती में इसका क्या प्रयोग होगा। तो धान की खेती में अगर हम ये बीज डाल देते हैं तो धान की खेती में पानी भी है, मिट्टी भी है, गोबर की खाद की जगह